28 अगस्त 2018 को पूरा एक साल बीत चुका था जब से चीन और भारत के बीच डोकलाम में 73 दिनों का गतिरोध समाप्त हुआ। चीन की चिकन नेक रणनीति पर बिस्बो की कहानी देखें। हालांकि मामला बड़े ही ठंडे ढंग से सुलझा, मगर कुछ ही महीनों बाद माहौल फिर से गंभीर हो गया जब अक्टूबर में चीनी प्रधान शी जिनपिंग ने संविधान में बदलाव किए। पीआरसी के अध्यक्ष अब 2023 की अवधि समाप्त होने के बाद भी पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। तनाव और भी बढ़ा जब उन्होंने अपने खास वफादार वाई फेंगे को रक्षा मंत्री घोषित कर दिया। अविश्वास की हद तो तब हो गई जब एलएसी में स्थानीय भारतीय सैनिकों को अपने फोन से 42 चीनी ऐप्स और ब्राउजरों को डिलीट करने के लिए कहा गया, जबकि भारतीय वायुसेना ने फौज को चेतावनी दी, शाओमी स्मार्टफोन और नोटबुक का उपयोग ना करें, आपका डेटा चीनी सर्वर द्वारा पढ़ा जा सकता है। उस समय सभी का नकारात्मक होना जायज था, लेकिन जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाथुला पास का दौरा किया तब चीनी सेना ने उन्हें पुकारा, निहाओ, निहाओ। यानी चीनी के मैंडरिन भाषा में हेलो, जिसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह दिया, नमस्ते। ये वीडियो चीनी सोशल मीडिया में वायरल हो गया जिससे दोनों देशों के बीच की सारी गंभीरता एकाएक गायब हो गई। का बड़ापन हमारे सर आंखों पर, एक महिला होकर भी वो सीमा तक आए, हिम्मती औरत है वो। हालात कुछ समय तक संतुलन में रहे जब तक 2017 के अंत में सुषमा स्वराज वांग लिंग से मिली। हमारी बैठक बड़ी अच्छी रही, हमारी बैठक बेकार रही। स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई। पहली बार 1600 चीनी सैनिकों ने सर्दी के मौसम के समय में डोकलाम के ट्राई जंक्शन पर पहरा लगाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड में भारतीय सैनिकों ने मुख्यालय को सूचना भेजी, सर चीनी उत्तरी डोकलाम में सड़क बना रहे हैं, चोरसा नाला उत्तर और दक्षिण डोकलाम को अलग रखता है। दूसरी ओर शक्शंगम घाटी पीओके में, सर चीनियों ने फिर से कुछ काम शुरू कर दिया है सर। जबकि बीशिंग अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के पहाड़ी इलाकों में आदिवासी ग्रामीणों ने चीनी को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा। जल्दी जल्दी जाओ और अपने कमांडर साहब को बताओ कि वो एक्सकवेटर और बुलडोजर के साथ आए हैं। भारतीय सैनिकों के एक बड़े काफिले ने उन्हें घेर लिया, वापस जाओ। उनके उपकरण जब्त किए और एक्सकवेटर के टायर से हवा निकाल दी। उसी दौरान भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम ICBM मिसाइल का परीक्षण किया था जो कि चीन के सभी हिस्सों तक पहुंच सकता है। मोदी ये जानते थे कि युद्ध चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, इससे भारत की प्रगति को ठेस पहुंचेगी। हमें चीन के साथ फॉरवर्ड लुकिंग नजरिए की नीति को अपनाना होगा। मोदी की इस नीति ने जादुई काम दिखाया और सीतारमन की अप्रैल 2018 की चीनी यात्रा के बाद चीन ने भारत को विश्वास निर्माण उपाय की एक लिस्ट भेजी। ये डोकलाम के बाद ऐसी पहली लिस्ट थी। भारत के लोगों, पीपल रिपब्लिक आर्मी से गतिविधियों का कैलेंडर। सफलता से खुश जून 2018 में जब मोदी क्विंगदाओ के शंघाई सहयोग संगठन में शी से मिले, दुनिया और बेहतर जगह होगी जब भारत और चीन एक साथ काम करेंगे। ये बात सुनकर भारत के चीनी राजदूत ने और बेहतरीन जवाब दिया, क्यों नहीं, ड्रैगन और हाथी एक साथ नाच सकते हैं ना। बात को पक्का करने के लिए उन्होंने कैलाश यात्रियों को सुरक्षित मार्ग और सहायता का वादा किया। जल्द ही पश्चिमी थिएटर कमांड जनरल लिन शियावू के नेतृत्व में 10 PLA सदस्य भारत आकर लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू के साथ जुलाई में बैठक की। हमें हमारे बीच एक हॉटलाइन स्थापित करनी चाहिए और हाथ लड़ाने के बजाय हाथ में हाथ डालकर काम करना चाहिए। वे अब 2013 में हस्ताक्षर किए गए सीमा रक्षा सहयोग समझौते को पूरी तरह से अनुसरण करने के लिए काम कर रहे हैं। LAC के विवादित क्षेत्रों में अब, सर चलो पीछा करें भारतीय गश्ती का। नहीं, अब से हम उनका पीछा नहीं करेंगे और ना ही वो हमारा करेंगे। चीनी रक्षा मंत्री वी फेंगे इस अगस्त दिल्ली का दौरा किया। वहीं पूर्वी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल चीन जाएगा।
हालांकि भारत ने अमेरिका और जापान के साथ अपने मालाबार नौसेना अभ्यास जारी रखा है, लेकिन चीन की मांग पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं किया। परमाणु और विमान वाहक के साथ पिछले 26 सालों में ये सबसे पेचीदा नौसेना अभ्यास रहा है। एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में दोनों देशों को शांति से ज्यादा लाभ होगा। चीन ने अब शायद भारत को व्यवसायिक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। चीनी ब्रांड जैसे Xiaomi, Vivo, Oppo और Huawei अब भारतीय सेलफोन बाजार का 62% भाग नियंत्रित करते हैं। जैक मा की अलीबाबा की पेटीएम में बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि चीनी कंपनियां भारतीय स्टार्टअप में भारी निवेश कर रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, ओला, हाइक, आईबीबो, गाना और जोमैटो। आमिर खान को भारत की तरफ से चीन के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोच चल रही है, जब से ये पता लगा है कि उनकी फिल्मों को भारत की तुलना में चीन में ज्यादा पैसे मिलते हैं। मोदी और शी की दाद तो देनी होगी कि उन्होंने गतिरोध को नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया और कई बार मुलाकातें की, तब भी जब दोनों की सेना युद्ध के नोक पर थी। भारत और चीन निश्चित रूप से टकराव से काफी आगे निकल चुके हैं, मगर फिर भी कुछ उत्तेजना वाली बातें अब भी बाकी रही हैं, जैसे कि CPEC जो कि POK से गुजर रहा है, आतंकवादी मसूद अजहर का समर्थन। हालांकि भारत ने FTAF में चीन को आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बदलने में सफलता हासिल की, इस पर बिस्बो की कहानी देखें। और भारत को 48 राष्ट्र परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यता में दाखिल होने से विरोध। दोनों देशों को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है और उसे कायम रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सदा दोस्त बनके रहिए। बिस्बो की शायरी। एक साल की बात हुई, डोकलाम तकरार, संग ड्रैगन के संभल रहा अब अपना व्यवहार, तना तनी से है भला आपस का संवाद, दोनों ही कोशिश करें तभी बनेगी बात। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइट के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।